सिंगल ट्रिप में 32 टोल आते हैं, सोचिए। तो ये जो है ना एक फेक होंडा, ये फ्रंट इंजन वाली प्रोबेबली अशोक लेलैंड के चेसी पे बना हुआ है। यू नो, एक स्पीड मॉन्स्टर होने के साथ साथ इसका कम्फर्ट भी बहुत बढ़िया है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शन। यहाँ पे जी आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी लग्जरियस किस्म की बसेज हैं बांग्लादेश में, स्पेशली डबल डेकर बसेज जो हैं उनका जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा इन बसेस पे ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ पे आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बांग्लादेश की नहीं, साउथ एशिया की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बस हुंडई बस है ये, बेसिकली बांग्लादेश की। और जिसका जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बांग्लादेश ये दुनिया की सबसे तेज तरीन बस है, इतनी तेज़ दौड़ती है, इतनी तेज़ दौड़ती है, बिल्कुल रॉकेट की तरह कहते हैं ये दौड़ती है। अभी मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो देखूंगी। इसमें बेसिकली फॉरेनर हैं जो कि आके इसको ठीक है बकायदा इन्होंने इसके इस पर ट्रैवल किया है और ये विज़िट कर रहे हैं। पूरा इन्होंने रिव्यू जो है शेयर किया है। वीडियो आप लोगों ने मेरे साथ देखनी है आखिर तक। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जी लाजमी लाइक किया करें। आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवरिंग बांग्लादेश सीरीज के एपिसोड नंबर 16 में आपका स्वागत है। ये जो है होने वाला है द सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ डिस्कवरिंग बांग्लादेश सीरीज। इस वाले व्लॉग में हम जाने वाले हैं फ्रॉम ढाका टू बोरिशाल। हालांकि इस रूट पे मैंने जर्नी करा है मगर उस दिन था डेलाइट में जो है स्पीड कैमरा वैमरा बहुत थे, तो जो थ्रिलिंग राइड होती है ना, जो हाई स्पीड थ्रिलिंग राइड होती है ह्यूंडई बस की, वो हमें नहीं मिली। तो आज फिर से एक चांस ले रहा हूँ मैं ह्यूंडई बस में ट्रैवल करने का वापस से शामुलियनार, और ओवरनाइट जर्नी होने वाली है। भले ही ये वीडियो थोड़ा सा छोटा हो मगर आई होप इट वुड बी अ वेरी थ्रिलिंग राइड। बस का टाइम हो रहा है। ये था मेरा होटल, दिस इज होटल स्टार इंटरनेशनल कोमलापुर। रूम वूम अच्छा नहीं है बट यू नो रात निकालने के लिए काफ़ी है, एसी है, एक सिंगल बेड है, काफ़ी आई थिंक, बट वाईफाई जो है काम नहीं करता। तो फटाफट पहुँचता हूँ मैं आरामबाग और वही जाके आपसे मिलता हूँ। गाइस आ चुका हूँ आरामबाग में एंड तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब है, यू नो बुखार वगैरह हो गया, फिर भी मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ आपको एक थ्रिलिंग वीडियो दिखाने के लिए। तो यहाँ पे सारी बसें जो लग रखी है बेसिकली बसों का हब है एंड हर जगह की जो आपको यहाँ से बसेज मिल जाएंगी। सारे जो ट्रैवल्स है उनके काउंटर्स भी यहीं पे। ये ढाका से सिलीगुड़ी जा रही है, दिस इज आवर नॉन डायरेक्ट सर्विस। ये सारी स्लीपर बसेज है, लंदन एक्सप्रेस, फिर ये जो है आपका इंपीरियल एक्सप्रेस। प्राउडली कहना चाहिए ये सारे बसें जो है मेड इन इंडिया है, अशोक लेलैंड की चेसिस है, पर बॉडी जो है बांग्लादेश में बना है, मतलब चेसिस का और बॉडी जो है बांग्लादेश में बना। बट हाँ, बनाया काफी अच्छा, लाइट बहुत बढ़िया लगाई है खास करके उस वाले बस में। तो ये जो है ना एक फेक हुंडई, ये फ्रंट इंजन वाली प्रोबेबली अशोक लेलैंड के चेसी पे बना हुआ है। आप देखो कितने माहिर है बांग्लादेश वाले कॉपी करने में और ये सेम चीज इन्होंने वोल्वो 9600 के साथ करी है। अच्छा एनीवेज, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर के साथ, या मोर देन सब्सक्राइबर मैं आप कहूँगा कि दोस्त के साथ, बहुत अच्छे दोस्त बन गए और बस हमारी आ चुकी है। तो जा रहा हूँ आपको इंटरेस्ट वगैरह दिखाता हूँ अच्छे से, फिर शुरू करते हैं एक तूफानी जर्नी। और एक कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि जो हमारे इंडिया में शामुली और ये शामुली ये सेम है कि नहीं, ओनर्स में मे बी एक कजिन या ऐसा कुछ रिलेशन है बट दोनों जो अलग है। यहाँ पे भी दो शामुली, एक शामुली एनआर और एक शामुली एसपी, तो वो बेसिकली जो दोनों भाई है जिनमें लड़ाई होने के बाद दो ट्रैवल्स अलग हो गए, पर परफॉर्म जो अभी बेटर एनआर ही कर रही है। एंड जो हमारे साइड है शामुली परिवहन वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो वेलकम ऑन बोर्ड ह्यूंडई एंड बस का कैबिन जो है कुछ इस तरह से दिखता है। बाकी तो पूरा जो है महल जैसा है, आप देख ही पा रहे हैं, 2x1 सेटिंग आपको इसमें मिल जाता है। एंड जो बेस्ट पार्ट है वो ये कि कर्टन देखिए आप, कर्टन से आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल जो है राजप्रसाद वाली फीलिंग आएगी। ओवरहेड बिन्स मेरे को इसमें अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें खोलने का ऑप्शन है, कोई सामान गिरेगा नहीं। बाकी ब्लैंकेट्स वगैरह, हेड पिलो वगैरह सब कुछ है। यू नो एक स्पीड मॉन्स्टर होने के साथ साथ इसका कम्फर्ट भी बहुत बढ़िया है। एनीवेज बस अपनी आ चुकी है, जो डिस्टेंस आज हम कवर करेंगे दैट इज़ अराउंड 175 किलोमीटर्स, प्रोबेबली 3.5 घंटे में कवर कर लेंगे। एंड रूट जो होगा वो होगा अपना वाया मावा भांगा एंड
वाया पौधा सेतु वही मेन है, क्योंकि वो जो है ब्रिज वो बांग्लादेश का सेंसेशन है। और गाइज इसका कंफर्ट देखिए, कंफर्ट भी मतलब ऐसा है कि सेमी फ्लैट बेड है, देखिए आप। अच्छा गाइज फिलहाल हम ढाका से निकल रहे हैं, रात को इस टाइम में देखिए ट्रैफिक लगा है। अच्छा जी, हमने शाम को कबाब वबाब खाया था, उसके बाद डिनर तो किया नहीं, तो मामा जो है हमारे लिए चिप्स वे सब कुछ लेके आ गए। और आप भी जा रहे हो बोरिशाल भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। और यहाँ पे जो है हमारा पिकअप चल रहा है सायदाबाद में। अच्छा जी, इस तरफ चला गया N1 जो कि टूवर्ड्स चिटागोंग जा रहा है, और हम जो है N8 पे जाएंगे टूवर्ड्स आपका पौधा सेतु। अच्छा जी, यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करा और टोल आ गया, मतलब बांग्लादेश में मैंने देखा कि टोल वोल जो है बहुत ज्यादा है। जो मामा है ना हमारे बता रहे हैं कि सिंगल ट्रिप में 32 टोल आते हैं, सोचिए जस्ट 300 किलोमीटर में 10,000 बांग्लादेशी टाका का टोल लगता है, मतलब भरपूर टोल ज्यादा है। टोल चीज थोड़ी बेटर होनी चाहिए, टू मच। काफी तेज जा रही है सारी की सारी बसेस यार, ओह माय गॉड, फुल तेज स्पीड है। बस आ गए हैं बांग्लादेश का जो सपनों का ब्रिज है वो पार करने, आ गए हैं पौधा सेतु टोल पे। इसके बाद जो अपन पौधा रिवर के ऊपर से 6-7 किलोमीटर लंबी ब्रिज पार करेंगे और टोल देखो 2000 यार, इट्स टू मच। बहुत ज्यादा चार्ज करती है, वेरी नाइस यार, अमेजिंग। ऑल्सो जी, ये एक रेल कम रोड ब्रिज है, ट्रेन की जो पटरी आप वहां पे देख सकते हो। वाह यार काफी तेज है वाकई में यार, ये बहुत तेज है। मैंने कैसे टेक ओवर कर रही है गाड़ियां बसें सबको। वाह अच्छा, रोशनी काफी कम है। अच्छा ये स्पीड दिखा रहा है कि कितनी तेजी से चल रही है, 110 140 तक जाता है ये, है ना इसका स्पीड जो है 140 किलोमीटर पर आवर। वाओ 116 11 12 इसके आसपास है। अच्छा वैसे इतने अंधेरे में इतनी तेज ड्राइव करना सो अनसेफ यार। अच्छा इधर रोशनी है, पीछे थोड़ा अंधेरा आ गया था। अच्छा
अच्छा यहाँ क्या कोई लिमिट नहीं है एक स्पीड की कि आप इस स्पीड पे चला सकते हैं? अदरवाइज जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना यहाँ पे, तो जी वो ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं ना फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं अगर आप एक स्पेसिफिक जो स्पीड है उसको क्रॉस करते हैं तो। भाई साहब क्या चल रही है गाड़ी, मतलब मजा ही आ रहा बिल्कुल। तो जी हम पहुंच गए हैं अभी। ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, ये था जी बांग्लादेश का जी फास्टेस्ट किस्म का मॉन्स्टर, दुनिया की सबसे ज्यादा तेज बस। और मजे की बात ये कि जितने भी बसेज हैं सारी की सारी मेड इन बांग्लादेश हैं। और बांग्लादेश की यार वाकई में बसेज कमाल हैं, और जो कॉपी करते हैं ना, लाइक चाइना एक बड़ा कॉपी अच्छी कर लेता है और बांग्लादेश ने भी क्या कमाल की कॉपी की है। जैसे ये भी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि बांग्लादेश यार बहुत अच्छी कॉपी करती है, ऐसे ही लगता है जैसे रियल है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की बसेस, और ये जो है इतना तेज इसने बस ड्राइव की है ना कि यार टू मच हो गया। मैं इतनी तेज बस में कभी यार ट्रैवल ना करूं, क्योंकि स्पेशली देखें जब भी आपकी स्पीड तेज होती है और कोई भी ऐसी चीज होती है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, तो स्पीड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, किसी भी किस्म का इंसिडेंट हो सकता है। और बहुत जरूरी है कि आप स्पीड को कंट्रोल में रखें, स्पेशली बसेस में। आप अकेला ड्राइवर नहीं होता बल्कि पूरे के पूरे एक बड़ी लोगों का, ठीक है, लोग होते हैं, बड़ी तादाद में जो पैसेंजर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। सो एक शख्स ने पूरे जो लोगों की जो जिंदगी है उस पे डिपेंड करती है। तो ऐसे में जो ड्राइवर है उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे वैसे एक स्पीड की लिमिट होनी चाहिए कि उस लिमिट से आगे कोई भी ना जाए, और अगर कोई इस लिमिट को क्रॉस करे तो वहाँ पर फाइन होना चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को जी लाजमी लाइक करें, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें, वीडियो को लाजमी शेयर करें। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब यू गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।